हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल लुनारे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, राइट। इसके पिछले वाली लेक्चर्स में मैंने जो आप सभी को पढ़ाया वो जरूर देखना, तब जाके यहाँ पर आना, ओके। वैसे ये जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग यही बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि हमें ऐसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक। तो डियर, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट या फिर चार्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहते हैं, ठीक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलग अलग नाम है। अब जी, दूसरा डॉक्यूमेंट की जो हम लोग को जरूरत पड़ती है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस आपको हालांकि पहले भी बताया था, लेकिन आज आपको फिर से बता दूंगा। अब जी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब जी यहाँ पर बेसिकली एक कंपनी की पावर, एक कंपनी की पावर एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। कंपनी का पावर और ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है ये वाले डॉक्यूमेंट में। सेकंड, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में डियर आपकी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए, और प्रॉस्पेक्टस तो आखिरी में आपको बताऊंगा, ठीक। तो जी, सबसे पहला हम लोग जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में MOA कहते हैं। तो जी, यहाँ पर जो सबसे पहला मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डियर बहुत सारे क्लॉज आपको देने पड़ते हैं, ठीक। अब ये क्लॉज भी कुछ भी नहीं है, जस्ट एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है, राइट। तो सबसे पहला जो हमें मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो सबसे पहला क्लॉज हम लोग को बनाना पड़ता है वो है नेम क्लॉज, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पूरे कंपनी का पूरा नाम आपको बताना पड़ता है, ठीक। मतलब जैसे मैं आपको अगर मैं अभी बता देता हूँ, जैसे आज नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो डियर, आपको हमेशा अगर कभी भी आपको कहीं भी न्यूज़पेपर में देखना या कहीं भी देखना, तो जो भी कंपनी के पीछे अगर प्राइवेट लिमिटेड आ गया, प्राइवेट लिमिटेड आ गया मतलब समझ जाना कि वो कंपनी जो है कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है डियर, प्राइवेट कंपनी है, ठीक। अब जी, जो भी कंपनी, और सपोज कीजिए जो भी XYZ लिमिटेड कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी, अब जी जो भी कंपनी के अगर पीछे सिर्फ आपको लिमिटेड लिखा हुआ दिखा, ठीक, तो समझ जाना कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है डियर, पब्लिक कंपनी है, ठीक। अब जी, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊं, तो जैसे Amazon प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक, जैसे एक Amazon हो गया प्राइवेटली, बहुत सारी कंपनी होती है, राइट। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक, एसेक्ट्रा बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है। मतलब जिसके भी पीछे, कोई भी कंपनी के पीछे अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड दिख गया, मतलब समझ जाना कि वो कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे Amazon प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो जी, ये सभी कंपनीज के पीछे आपको प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा, मतलब ये आप समझ सकते हैं ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक। अब जी जो भी कंपनी के पीछे अगर आपको लिमिटेड लिमिटेड दिख गया, तो समझ जाना वो पब्लिक कंपनी है। जैसे सेल है, सेल, ठीक। अब जी, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, ठीक। तो जी, अब ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया की, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सिर्फ लिमिटेड है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है।
देख वैसे ही एक होता है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो ये क्या है, प्री पब्लिक कंपनी है। ठीक, तो मतलब आपको समझ में आ गया, जब भी कोई भी कंपनी के पीछे अगर आपको लिमिटेड सिर्फ दिया होगा तो वो मतलब पब्लिक कंपनी है, और जो भी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड दिया होगा वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक, तो डियर सेम चीज यहाँ पर भी मैंने लिखी है। नेम क्लॉज में आपको यही बताना रहता है कि कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी कौन सी है, जिसके एंड में हमेशा आपको यही लिखा रहेगा कि प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड दिया होगा तो पब्लिक कंपनी। ठीक, तो आपको एक पूरा कंपनी का नाम बताना पड़ता है। ठीक, अब जी सेकेंड सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। ठीक, अब जी यहाँ पर क्या होता है, आपको हेडक्वार्टर का एड्रेस बताना पड़ता है। सबसे इजी और नॉमिनल भाषा में डियर मैं ये कलेक्ट किया हूँ नोट्स, बड़े ध्यान से सुनना। सेकेंड चीज में आपको क्या करना पड़ता है, हेडक्वार्टर कोई भी कंपनी का हेडक्वार्टर का एड्रेस बताना पड़ता है। जैसे मैं आपको जैसे बताऊ कि एप्पल, ठीक, एप्पल का मेन हेडक्वार्टर किधर है, तो आप बताओगे कि अमेरिका में है ना। तो डियर आपको मेन हेडक्वार्टर बताना पड़ता है हर कंपनीज का, कि हर कंपनीज का हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे रिलायंस, अब जी रिलायंस आप सभी इंडियंस ही होंगे मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली, जो भी आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। सो डियर अब मैं आप सभी से पूछू कि रिलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सभी बोलेंगे कि मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो सेकेंड चीज में आपको यही बताना पड़ता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए हेडक्वार्टर और ब्रांचेस में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक, जैसे हेडक्वार्टर एक ही रहता है हर कंपनीज का। ठीक, मेन हेडक्वार्टर जो रहता है एक ही होता है, लेकिन उसके ब्रांचेस, अब जी जैसे देख लो रिलायंस, रिलायंस के हर जगह आपको ब्रांचेस दिख जाएंगे, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है बॉम्बे में। ठीक, तो यहाँ पर आपको बेसिकली कंपनी का एड्रेस बताना पड़ता है, एड्रेस ऑफ हेडक्वार्टर। ठीक, अब जी थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब आप सभी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब एम, लक्ष्य। ठीक, लक्ष्य आप सभी का लक्ष्य होता है। अब जी एक मोटे मतलब एक फैट पर्सन का एम क्या होगा कि पतला होना। ठीक, अब जी जो बहुत सुकड़ा पतला पतला दुबला लड़का है उसका एम क्या होगा, मोटा होना, मतलब मोटा भी नहीं एक तरीके का हेल्दी होना। राइट, अब जी एक जो गधा बच्चा होगा उसका एम क्या होगा, इंटेलिजेंट बनना। सो जी ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य होता है, एक एम क्या टारगेट होता है। ठीक, तो हर कंपनीज का भी क्या होता है, कुछ टारगेट होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके रखती है कि मुझे ये काम इस समय तक करना है। ठीक, तो हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, और जी थर्ड चीज यहाँ पर आप सभी को बताना है कि वो क्या करता है, अपनी कंपनी का स्कोप और लिमिटेशन क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो इससे मतलब, फॉर एग्जाम्पल कीजिए एक इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री आई जो बहुत पॉल्यूशन करते हैं, तो वहां पर वो बताएगा कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसके कारण जो एनवायरमेंट होगा वो हार्म होगा, तो वो क्या करेगी, लिमिटेशन भी बताएगी। ठीक, तो हर कंपनी क्या करती है, अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और अपना कंपनी का स्कोप और लिमिटेशन बताती है। अब जी जो फोर्थ है लायबिलिटी क्लॉज। अब जी लायबिलिटी आप सभी को पता है दो टाइप की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब जी लिमिटेड लायबिलिटी हमेशा अच्छा होता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी बेकार होता है। अब जी लिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ आपके बिजनेस एसेट्स ही को कोई भी क्रेडिटर क्लेम कर सकता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपके बिजनेस एसेट्स प्लस आपके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। अब जी इसका मतलब डियर ये है कि फॉर एग्जाम्पल कीजिए कि आपकी मेरी कंपनी ने किसी से उधारी लिया, ठीक, और मेरी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी है, मेरी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो जी जिस बंदे से मैंने कर्जा लिया और मैंने उसको बोला कि भाई तुझे मैं तेरे पैसे एक महीने के बाद लौटा दूंगा, और मैं उसे लौटाया नहीं, ठीक, एक महीना आ गया और मैं उसका पैसा दे नहीं पाया, तो वो बंदा क्या कर सकता है, मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। और जी केस होगा तो सिर्फ क्या होगा, अगर उस बंदे ने केस किया तो मेरे बिजनेस में एसेट्स जितनी है वो एसेट्स को मैं बेच के उसका जो पैसा है वो चुका सकता हूँ। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में डियर क्या होता है कि अगर वो बंदा सेम चीज लेते हो, लेकिन अब मेरी जो बिजनेस है वहां पर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में
अगर मैंने किसी से भी उधारी ली और उस उधारी में मैंने उस बंदे को कहा कि बेटा तेरा जो पैसा है वो मैं तुझे 1 महीने के बाद दूंगा, 1 महीना आ गया और मैं दे नहीं पाया, उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। ठीक, तो जी सबसे पहले तो वो अपना पैसा को लेने के लिए सबसे पहले मेरे बिजनेस के एसेट्स को बेच देगा, उसके ऊपर राइट होगा, ठीक, कोर्ट से राइट आएगा कि आपको सबसे पहला बिजनेस एसेट्स उस कंपनी का बेचना है, मतलब मेरी कंपनी का। अगर उससे भी उसकी उधारी चुकी नहीं तो वो क्या कर सकता है, मेरे पर्सनल एसेट्स भी बेच के अपना पैसा को ले सकता है, मेरी कार बेच दिया, मेरी वॉच बेच दिया, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होता है। एक तो आप सभी को पता है लिमिटेड लाइबिलिटी एक कंपनी की होती है, लेकिन यहाँ पर डियर मैं आपको ज्यादा डिप में नहीं बताना चाहता, लेकिन एग्जाम से आपको पूछेगा तो डायरेक्ट यही बताना है कि हमेशा जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक, यहाँ इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस आपको इतना एक नॉमिनल चीज मुझे आपको बतानी थी। अब जी कैपिटल क्लॉज, मतलब अब जी कैपिटल क्लॉज का मतलब हमें आपको इसको इजी भाषा में आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आप मतलब आपकी जो कंपनी है उसका शेयर कैपिटल कितना है कि वो कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा दी है। ठीक, मतलब इजी भाषा में आप ये जान सकते हैं कि कैपिटल मतलब आप सभी को पता है जब एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी में पैसा लगाता है तो हम क्या कहते हैं, उसके कैपिटल कहते हैं, राइट। तो डियर सेम चीज यहाँ भी होती है, बस आपको यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल कितना है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। अब जी ये है लास्ट स्टेप, एसोसिएशन या फिर इसे हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कह सकते हैं। अब जी यहाँ पर क्या होता है, एक डायरेक्टर एक स्टेटमेंट देता है। अब जी हर डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर रहता है कंपनीज का, बहुत सारे होते हैं, ठीक, हर कंपनीज के बहुत सारे, सिंगल डायरेक्टर नहीं होता, बहुत सारे होता है। तो यहाँ पर जो भी कंपनीज का डायरेक्टर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं। अब जी ये स्टेटमेंट कौन सा देते हैं, अब जी यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ध्यान से सुनना, ठीक, डायरेक्टर्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स और हमारे कंपनीज के जितने भी पर्सन जो कि हमारी कंपनी में उनका नाम है, तो हम सभी ने ये डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया है और हम सभी एग्री हैं जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारी कंपनी जल्दी से जल्दी फॉर्म हो जाए, ठीक। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं और क्या करते हैं, उसे साइन कर देते हैं, ठीक। तो जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको यही मिलता है, ठीक। अब जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब जी इसके लिए मैंने कुछ बताया नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी है। अब जी यहाँ पर आप क्या मतलब यहाँ पर क्या होता है डियर, आपके इंटरनल अफेयर्स पूरी मतलब कंपनी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स है वो सब बताते हैं, मतलब मेरे मेरे कंपनी में जितने भी इम्प्लॉयज है, ठीक, वो इम्प्लॉयज सुबह के 7 बजे से आएंगे और 5 बजे तक काम करेंगे, ठीक, और मेरा जो भी मैनेजर होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मतलब हर सारी चीजें जो कि एक बिजनेस के अंदर के अफेयर्स को बताती है वो सभी चीजें हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। अब जी मैं आप सभी के एक राज की बार बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक, ये 2 टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप खुद बना सकते हो, ठीक, प्रिपेयर बाय कंपनी इटसेल्फ। और जी जो सेकंड होता है, कभी कभी क्या कोई कोई कंपनी टेबल ए फॉलो करती है, ठीक, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी खुद से भी बना सकती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज क्या होती है वो अपने से नहीं बनाती और वो डायरेक्ट टेबल ए ले लेती है। अब जी टेबल ए में पहले से ही सारी चीजें लिखी रहती है कि एक कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कैसे संभालना चाहिए, ठीक। तो अब ये कंपनी के ऊपर चॉइस रहता है कि वो अपना भी बना सकते हैं या फिर टेबल ए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो जी इंटरनल अफेयर्स मतलब जो भी कंपनीज के अफेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉयज को पेमेंट कितनी देनी है, ठीक, हमारे कंपनीज में काम कैसा होगा, तो ये सारी सारी की सारी चीजें क्या होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आती है। अब जी हमारे पास आखिरी है प्रोस्पेक्टस। अब जी प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, अब जी ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब बता देता हूँ, ठीक। अब जी जो कंपनीज होती है, ठीक, जैसे ये मान लो ABC कंपनी है, अब ये कंपनीज क्या करती है, जितने भी पीपल है, हम जितने भी पीपल है, ठीक है, हम क्या है, पीपल है, ये हम पीपल है और ये कंपनी है, ठीक। तो हर कंपनी क्या करती है,
पीपल को इनवाइट करती है, पीपल को क्या करती है, इनवाइट करती है। और जितनी भी कंपनीज है पीपल को इनवाइट करके ये बोलती है कि हम एक नई कंपनी चालू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जितने भी पीपल हैं हमारी कंपनी में आकर इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आप सभी हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। ठीक है, तो जी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब जी आपके बुक्स में आप जाओगे तो जी आपके बुक्स में आपको और भी थोड़ा प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं आप सभी को अभी भी बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छे नोट्स मैं आप सभी के लिए लाता हूं, बहुत अच्छी चीजों से आपको समझाता हूं। ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लग भी रहा है तो एक बार बस बुक रीडिंग करना, लेकिन जो मैं आपको अभी बताया, आपको अभी अगर पूछ भी लिया कि प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हो कि हर कंपनी पीपल को क्या करती है, इनवाइट करती है कि वो जितने भी पीपल हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक, तो डियर ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी को क्या करने पड़ते हैं, रेडी करने पड़ते हैं। ठीक, और फिर इस जैसे आप ये सब रेडी कर लेते हो तो आपका क्या हो जाता है डियर, मतलब आपका आपकी कंपनी जो होती है डियर फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाती है। और लेकिन मैं तो आपकी स्टेप्स पहले ही बता सकता हूँ, तो वो जो स्टेप्स हैं, ठीक, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वो स्टेप्स में भी आपको जरूरत पड़ता है, मतलब सीधी सी बात आपको अगर कंपनी को फॉर्म करना है तो आपको ये तीन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हर कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट्स को बनाना पड़ता है। ठीक, अब जी प्रोस्पेक्टस के बारे में मेरा दिल नहीं मार रहा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हर कंपनी पीपल को इन्वाइट करती है कि हम एक नई कंपनी चालू कर रहे हैं, तो जितनी भी कंपनी से पीपल को ये बोलती है कि हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमारी कंपनी में पैसा को लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक, अब सभी को समझ में आ गया, बहुत इजी था टॉपिक, होप करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा। इसी के साथ डियर मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।